देखो बेटा अमीन की नेक्स्ट जो बाकी रेस्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जैसे ये RnH2 है प्राइमरी अमीन प्लस R-MgX, तो R पे नेगेटिव होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में ड्राई इथर की प्रेजेंस में। बोलो बेटा क्या बन जाएगा इसमें? H पॉजिटिव एल्केन्स विल बी फॉर्म्ड। ये जेरी विटेनोप्स मेथड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से प्लस MgNHRX। फॉर एग्जाम्पल मीथेन बनाना है तो देखो इसमें हाइड्रोजन तो जा रहा है अमीन का और R आ रहा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, तो मीथेन बनाने के लिए R तो ये कुछ भी ले लो, RNHH प्लस CH3MgX, तो क्या बन जाएगा इसमें अपने पास CH3H प्लस MgNHRX, यस और नो? यस सर, यस सर। देखो बेटा सेकेंडरी अमीन के लिए जैसे हम ले लेते हैं R2NH, तो इसमें भी एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्लस R-MgX, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा ये? इट फॉर्म्स R-H प्लस MgNR2X। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ अगर टर्सरी अमीन है तो टर्सरी अमीन में बोलो रिएक्ट करेगी ये? नो रिएक्शन, बिकॉज नो एक्टिव हाइड्रोजन, इसमें एक भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बेटा, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगी, राइट? यस सर, यस सर। ये बेटा इसकी नेक्स्ट ESR रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR reactions। देखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? देखो ये NH2 के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो एज NH2 ग्रुप इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप hence ortho and para directing towards ESR electrophilic substitution reactions में कैसा होगा ये ortho और para directing? देखो ये lone pair इधर resonance में participate करेगी, तो इसका next canonical structure बन जाएगा, ये double bond आगे की तरफ shift हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट मूव कर जाएगा। इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो इस पे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं बेटा, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इसलिए ESR इलेक्ट्रोफाइल इनकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर
सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. दैट इज वाई वी कैन से दैट एज इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग हेंस इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप. दैट इज वाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सी एस आर रिएक्शंस. अब इसकी जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस हैं तो ये भी देखो जैसे पोलर मीडियम के अंदर जैसे फिनोल में ट्राई ब्रोमो फिनोल बन रहा था अपना, तो इसके केस में भी पोलर मीडियम में क्या बन जाएगा, ट्राई पोजिशन पे दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा बेटा इसमें. देखो एग्जाम्पल्स ऑफ ई एस आर, फर्स्ट ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में हम एनिलिन लेंगे, एनिलिन की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे Br2. तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स ट्राई ब्रोमो एनिलिन. जैसे फिनोल में बन रहा था अपने पास ट्राई ब्रोमो फिनोल, तो इसके अंदर क्योंकि फिनोल के कंपैरिजन में NH2 ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अब देखो अपने को अगर केवल एक सिंगल पोजीशन के ऊपर जोड़ना हो तो ये क्यों है, इसका एक्टिवेशन क्योंकि ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के अंदर 100% रेजोनेंस के चांसेस है, ट्राई ब्रोमो एनिलिन इज फॉर्म्ड. लेकिन अब उसको हम अगर मोनो पोजीशन पे जोड़ना है, सिंगल हैलोजन पोजीशन के ऊपर जोड़ना है, तो सिंगल हैलोजन पोजीशन पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बेटा उसमें उसमें हम इसको इसके जो रेजोनेंस में कहीं और एंगेज कराएंगे इसको डबल बॉन्ड के. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट रिएक्शन इफ यहां पे एज NH2 ग्रुप एक्टिवेशन इज हायर हेंस ट्राई ब्रोमो एनिलिन इज फॉर्म्ड. इफ मोनो ब्रोमो एनिलिन इज टू बी ऑब्टेन्ड, अगर अपने को मोनो ब्रोमो एनिलिन ऑब्टेन करना है तो मोनोब्रोमो ब्रोमो एनिलिन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कि यहां पे ये NH2 है, इस NH2 की पहले एसिटाइलेशन रिएक्शन करा दो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो माइनस HCl हो जाएगा और ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड OCH3. अब देखो बेटा ये जो एनिलिन के ऊपर लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है, बेंजीन के साथ भी, तो ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है और इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है, 50-50% चांसेस हो गए. तो इसका मतलब इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो गया अब NH2 ग्रुप का. सो एज इसको अपन बोलेंगे एसिटा एनिलाइड. As now lone pair of NH2 group is involved, in two side resonance, दो side resonance में involved होगी, hence its activation effect on aniline will be lesser. Activation effect aniline के ऊपर less होंगे बेटा,
तो लेस होंगे। तो अब इसकी जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो दो, अब इसमें मोनोब्रोमो एनिलिन ऑप्टेन होगा, मोनोब्रोमो एसिटाइनिलाइड बन जाएगा। पहले तो इसकी अपन Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, वी विल गेट NH C डबल बॉन्ड OCH3। दिस पैरा ब्रोमो एसिटाइल एनिलाइड, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और ये ऑर्थो ब्रोमो एसिटाइनिलाइड, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। इसमें सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे अब, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब उसकी वजह से देखो नेक्स्ट में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो अपने को, एनिलिन बनाना है तो। नाउ बोथ दीज आर हाइड्रोलाइज्ड, इनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास NH2 Br plus NH2 Br। ये ऑर्थो माइनर एंड दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, और माइनस हो जाएंगे, प्लस 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड बाहर हो जाएंगे CH3COH। समझ गए सब लोग? अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। देखो बेटा नाइट्रेशन के अंदर ये एनिलिन है अपने पास, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे, तो ये अपने पास बनेंगे। देखो ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लग जाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन होगा। देखो तुम्हारे को ऑर्थो होना चाहिए माइनर प्रोडक्ट, और इसमें जो ये पैरा है, पैरा नाइट्रो एनिलिन, ये बेटा इसमें 51% ही बनता है, 51%। और ये पैरा पे NO2 ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा 51% बनता है, ऑर्थो बनता है इसके अंदर 2% ही, तो बाकी कहाँ गया? बाकी बनता है मेटा। अब देखो ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तो मेटा तो नहीं बनना चाहिए इसके अंदर, यस और नो? तो ये बच गया 47% बच गया, ये 47% क्या बनता है? मेटा नाइट्रो एनिलिन। तो ये मेटा नाइट्रो एनिलिन क्यों बन रहा है बेटा इसके अंदर? क्योंकि ये जो एनिलिन है, एनिलिन H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? ये H प्लस को, ये बेसिक नेचर होता है ना इसका, तो ये एसिड से H प्लस लेगा और H प्लस को अपनी लोन पे डोनेट कर देगा एनिलिन, ठीक है? तो इसको H प्लस को डोनेट करेगा तो ये क्या बना लेगा बेटा? एनिलिनियम आयन बन जाएगा इंटरमीडिएट NH3 पॉजिटिव। अब देखो इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है बेंजीन रिंग को देने के लिए, अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकता है। तो एज ड्यूरिंग नाइट्रेशन ये लगाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट, एज ड्यूरिंग नाइट्रेशन एनिलिनियम आयन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट विच इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एनिलिनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा विच इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस
ड्यूरिंग नाइट्रेशन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन इज फॉर्म्ड, हेंस ड्यूरिंग नाइट्रेशन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म्ड, इसलिए ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा बेटा इसके अंदर, बिकॉज एनिलीनियम आयन बनेगा इंटरमीडिएट, और एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट बनने की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब देखो अपने को अगर केवल इसमें ऑर्थो और पैरा बना रहा हो, ओनली ऑर्थो और पैरा, तो इसकी जो लोन पेयर ये अपनी डोनेट कर रहा है, इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर दो। देखो कैसे, कि पहले वही अभी जो प्रीवियस रिएक्शन में कराई थी अपन ने, एसिटाइलेशन रिएक्शन करा दो, कि इफ ओनली ऑर्थो एंड पैरा आर टू बी ऑब्टेन, देन डिक्रीज द decrease the availability of lone pair, lone pair की availability को decrease कर दो बेटा। देखो कैसे, कि पहले उसकी वो ये acetylation reaction करा दो, ये aniline है, इसकी acetic anhydride या acetyl chloride के साथ reaction करा दो। पहले में अपन ने acetyl chloride लिया था, अब इसमें एक example ले लेते हैं, acetic anhydride CH3, तो यहाँ से एक H निकलेगा, ये क्लीवेज होगी तो माइनस CH3COH हो जाएगा इसमें, और ये बन जाएगा एसिटाइनिलाइड। अब इसका एसिटाइनिलाइड का आपको नाइट्रेशन कराना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा ये ऑर्थो और पैरा ओनली, NHC(CH3NO2), दिस विल बी द मेजर प्लस NHC(CH3), ये बनेगा बेटा माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें ये इनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो दोनों का, तो एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, माइनस CH3COH, पैरा नाइट्रोएनिलीन प्लस ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, ऑर्थो बनेगा माइनर और ये पैरा बनेगा मेजर। देखो ऐसा क्यों हो गया बेटा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, अभी लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी और बेंजीन रिंग के साथ भी, तो H प्लस को इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई इस डबल रेजोनेंस की वजह से, डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर H प्लस आयंस के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। तो कम करोगे तो एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इसमें, और एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे इसमें, मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यस और नो? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, देखो बेटा ये भी बहुत आसान है। सल्फोनेशन में एनिलीन की एडिंग कराएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा इसमें, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीनियम
एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की हीटिंग कराएंगे हम 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो जब इसकी 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग कराएंगे तो इसमें ये बन जाएगा पैरा पोजिशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये इट फॉर्म्स NH2SO3H। और ये जो है ये ज्विटर आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा। देखो ये डबल आयन, ज्विटर आयन मतलब डाईपोलर आयन होते हैं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम होगी, फॉरवर्ड में ज़्यादा होगी, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। देखो ये तो बेसिक ग्रुप है, NH2 ग्रुप तो कैसा है बेसिक, और SO3H ग्रुप कैसा है एसिडिक, तो एसिड अपना प्रोटोन देगा और NH3 प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये SO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम सल्फेनिलिक एसिड। देखो प्लस और माइनस चार्जेस तो सॉल्ट्स के अंदर होते हैं ना बेटा, सल्फेनिलिक एसिड, और इसको ये डाईपोलर आयन है, डाईपोलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, और इसको डाईपोलर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ज्विटर आयन्स। ज्विटर आयन मतलब एक ऐसा आयन जिसके ऊपर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, ज्विटर आयन्स, और वी कॉल इट एज इंटरनल सॉल्ट। ज्विटर आयन्स और इंटरनल सॉल्ट, राइट? यस सर। ये है इसमें सल्फेनिलिक एसिड के साथ। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है इसकी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। देखो बेटा फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन बहुत आसान है, उसमें रिएक्शन भी नहीं पढ़नी आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये एनिलीन है NH2, तो इसकी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। देखो क्यों, क्योंकि ये तो क्या है लोन पेयर अवेलेबिलिटी की वजह से, दिस इज लेवाइस बेस, यस और नो, मतलब नो ESR रिएक्शन, ये लेवाइस बेस है और AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज लेवाइस एसिड, तो लेवाइस एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा इसके अंदर, मतलब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा C6H5NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा इसके अंदर, लेवाइस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो AlCl3 हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के लिए लेते हैं काम में, हेंस इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट बी जनरेटेड। Hence, electrophile will not be generated. Electrophile generate नहीं होगी, अब electrophile generate नहीं होगी तो क्या होगा कि Friedel-Crafts substitution reactions नहीं होंगी इसके अंदर, ठीक है बेटा? Yes sir. बोलो any doubt? Yes, sir. No sir. No sir. No sir. उसके बाद देखो last diazonium salts. इन डाइजोनियम सॉल्ट्स के मैक्सिमम रिएक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, बस वो तो एक तरीके से रेपिटेशन ही है इनका। देखो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट्स कैसे बनाएंगे हम, कि डाइजोनियम सॉल्ट्स हम एनिलिन लेंगे, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, प्रिपेयर्ड बाय डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो सी सिक्स एच फाइव एन एच टू, ये एनिलीन है अपने पास,
अब इस एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 प्लस HCl, इन सीटू जनरेट करेंगे नाइट्रस एसिड, इनसे बनेगा HNO2 और ये रिएक्शन कराएंगे हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, लो टेम्परेचर के ऊपर होती है बिकॉज HNO2 इज हाईली अनस्टेबल, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, कल ही डिस्कस किया था हमने। तो ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, प्लस NaCl प्लस H2O। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद्रॉ करेगा, तो ये एराइल डाइजोनियम क्लोराइड्स के कंपैरिजन में स्टेबल होगा, दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और जब हम इसको बनाते हैं बेटा तो इसके अंदर जनरली 3 मोल HCl के यूज करते हैं हम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर, जनरली 3 मोल्स HCl यूज्ड। देखो 3 मोल क्या किस किस लिए काम आते हैं बेटा, एक तो यूज टू फॉर्म HNO2, नाइट्रस एसिड बनवाएगा एक तो, राइट बोलो बेटा, और एक इसके अंदर ये डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, एक सॉल्ट बनाएगा इसके अंदर, एक सॉल्ट बनाएगा और दूसरा एसिडिक मीडियम रखेगा, तीसरा मोल कीप एसिडिक मीडियम टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन, साइड रिएक्शन होने से बचाएगा उसके अंदर, ये 3 मोल HCl का रोल होगा बेटा। अब एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो आपको ये सब लिखना है इसके अंदर, समझ गए, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में बैठो लिख दोगे ये बात, यस सर। और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ये भी बात लिख सकते हैं इसमें कि इफ टेम्परेचर इज हाइयर देन HNO2 disproportionates into HNO3 and NO, HNO3 और NO में disproportionate हो जाएगा बेटा अगर temperature हाई होगा तो, इसलिए low temperature ही लेना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे, समझ गए, बोलो yes बोलो बेटा yes sir yes sir acidic medium to prevent side products or side reactions, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसके देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स soluble in water में soluble होते हैं ये, और कुछ इनके जो salts होते हैं वो explode भी हो जाते हैं, explosive nature के भी होते हैं, तो इसमें दो chemical properties होंगी बेटा main इसकी, एक तो जिसमें diazonium group reaction में रहेगा और एक जिसके अंदर remove हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कि फर्स्ट रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके बेटा हम, एक तो जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रिमूव हो जाए और दूसरा जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रिएक्शन में रहे, रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप,
देखो अब ये जो रिटेंशन वाली रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शंस मैं एक में ही लिख रहा हूँ बेटा, ये रिमूवल ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। देखो ये जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है अपने पास, देखो सबसे पहले 11th क्लास में हमने पढ़ा था बेंजीन के साथ इसकी H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको रिड्यूस करा देता है किसके अंदर, बेंजीन, बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ये बन जाएंगे बेटा इसमें, समझ गए? यस सर। इसकी H3 अल्कोहल के साथ करा दो बेटा, इथेनॉल के साथ, तो इथेनॉल भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसमें, ये बन जाता है बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनॉल के अंदर CH3CHO। उसके बाद देखो फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा हमने इसका कि इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, हाइड्रोलाइसिस और हीटिंग करा दो तो फिनोल बन जाएगा प्लस N2 प्लस HCl, यस और नो? गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन बताओ, गाटरमान रिएक्शन में हमने पढ़ा था Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HX, यहाँ पे X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड भी हो सकता है CN, तो ये देखो क्या बन जाएगा इसके ऊपर X लग जाएगा, X प्लस N2 प्लस HCl, यस और नो? सैंडबियर्स रिएक्शन, सैंडबियर्स रिएक्शन में कॉपर का सॉल्ट लेते हैं बेटा हम CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX, बस खाली कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, SS से याद रखने का तरीका बताया था मैंने, S मतलब सॉल्ट, वही क्लोरीन ब्रोमीन और ये क्लोरीन, ये साइनाइड, क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड ले सकते हैं, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये X लग जाएगा प्लस N2 प्लस HCl। बोलो बेटा इनमें कोई डाउट हो तो किसी को, पढ़ चुके ना हम ये सारी रिएक्शंस, अगर आयोडीन बनाना है तो बताओ क्या करेंगे, KI के साथ रिएक्शन करा दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में पढ़ा था ये हमने, KI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे I का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा प्लस N2 प्लस HCl की जगह बाहर हो जाएगा इसमें KCl, अगर इसकी HBF4 के साथ रिएक्शन करा दें, बाल्ज़-स्कीमान रिएक्शन, तो बाल्ज़-स्कीमान रिएक्शन में पहले तो ये बन जाएगा इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव और ये N पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे हम, ये डाइजोनियम ग्रुप हो गया फ्लोरोबोरेट, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और इस डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की सीधी हीटिंग करा दो, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पढ़ी थी ना ये रिएक्शन, इसकी हीटिंग कराओगे तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा प्लस N2 प्लस BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड बाहर हो जाएगा, और इस कंपाउंड की हीटिंग करा दो तुम NaNO2 की प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में, तो सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ये ग्रुप डाइजोनियम ग्रुप हटके NO2 लग जाएगा, NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4, ये बन जाएंगे इसके अंदर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आई ये? यस सर। उसके बाद अगर KSH के साथ करा दें रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, पोटेशियम मरकैप्टाइड, तो इसमें थायो एल्कोहल बन जाएगा, जैसे उसमें फिनोल बना था एक्वस में, तो उसमें OH लगा था, यहाँ पे क्या लग जाएगा SH प्लस N2 प्लस KCl, इसको थायोफिनोल बोलेंगे,
बोलो बेटा, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? यस सर। समझ गए? यस सर। तो ये तो थी जिनमें डाइसोनियम ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। अब सेकंड जो टाइप के हैं, सेकंड टाइप जो है रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डाइसोनियम ग्रुप। रिटेंशन मतलब रिएक्शन के बाद में भी डाइसोनियम ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और इस रिटेंशन ऑफ डाइसोनियम ग्रुप को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इनको कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इनको हम? कपलिंग रिएक्शंस। देखो ये भी बहुत इजी है, जैसे कपलिंग रिएक्शंस, फिनोल के साथ रिएक्शन करा दो पहले, रिएक्शन विद फिनोल। देखो ये आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब फिनोल की पैरा पोजिशन से हाइड्रोजन इसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये फिनोल है, और क्या बाहर हो जाएगा यहां से? माइनस HCl। और ये अल्कलाइन पीएच के अंदर होता है बेटा, पीएच इसमें 9 to 10 पीएच के ऊपर रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे। एन डबल बॉन्ड एन प्लस HCl बाहर हो जाएगा, ये OH, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस इज ऑरेंज डाई, ठीक है? बोलो। यस सर। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी एनिलिन के साथ रिएक्शन करा दो, सेकंड रिएक्शन विद एनिलिन। तो एनिलिन के साथ रिएक्शन कराओगे तो येलो डाई बन जाएगी इसमें, पैरा अमीनो है जो बेंजीन बन जाएगा, बस केवल NH2 का ही फर्क रहेगा इसमें। और वो फिनोल एसिडिक था तो एल्कलाइन पीएच में, ये बेसिक है तो इसको एसिडिक पीएच में करवाएंगे। इसकी जो पीएच रेंज होती है वो 4 to 5 लेंगे, तो उसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एन डबल बॉन्ड एन और ये येलो डाई होती है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। येलो डाई होगी बेटा, ठीक है? यस सर। बोलो। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। उसके बाद यस सर थर्ड, ये लैब में भी करा सकते हैं अपन रिएक्शंस। थर्ड इज बीटा नेफ्थोल, रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल, देखो बेटा ये तो हो गया आपने पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। तो देखो यहां से कपलिंग रिएक्शन होगी इसके अंदर, ठीक है बेटा? और ये भी एसिडिक एल्कलाइन पीएच में ही होगा, 9 to 10 पीएच पे, तो ये बन जाएगा अपना इसमें, इसको C6H5 की फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं ये यहाँ पे OH है और यहाँ से कपल होगी N डबल बॉन्ड N C6H5 बीटा नेफ्थोल एजोबेंजीन,
इसको बोलेंगे हम बीटन एथोल एजोबेंजीन, और ये रेड डाई होती है बेटा। किस कलर की होती है ये? रेड डाई। अब तुमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में तो सुना होगा ना? यस सर। देखो इसमें कपलिंग विद ये लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है, देखो इसमें हम लेंगे ये अभी बेन, इसका सल्फोनेशन करा के ये बनाया था ना बेटा अपन ने NH2SO3H सल्फेनिलिक एसिड बना था, नहीं बनाया था? अब इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ माइनस एच टू हो जाएगा और यहाँ से ये एच प्लस निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा एन ए सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। NH2। अब देखो इसकी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करा सकते हैं हम, तो इसकी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा NaSO3 नेगेटिव और ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसकी N एन डाई मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन करा दो तो मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा उससे। देखो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन के ऊपर CH3 और यहां पे क्या लग जाएगा इसके अंदर, ये एच HCl बाहर हो जाएगा माइनस HCl, तो ये बन जाएगा अपने पास Na पॉजिटिव O3 S N डबल बॉन्ड N NCH3CH3। इसको वी कॉल इट एज मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट दिस अमीन्स।